भारत के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में बसे बिहार की राजधानी पटना, जो गंगा नदी के साउथ एंड पर है, दक्षिणी किनारे पर है। इसमें थोड़ी देर ठहर कर, थोड़ा रिलैक्स करके घर की तरफ लोकल गाड़ी से हमारा सफ़र जारी है। पटना स्टेशन से आपको हर जगह की गाड़ी मिल जाएगी। पटना जंक्शन से गांधी मैदान, गाय घाट, ये मेन रूट है। बाकी और भी जगहों की यहाँ की बहुत ही इत्मीनान तरीके से गाड़ी मिल जाती है। नया बस स्टैंड भी मीठापुर से अब शिफ्ट हो चुका है। पटना गया बाईपास रोड में रामचक बैरिया के पास नया बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। और ये गांधी मैदान से भी आपको पूरे बिहार की बस मिल जाएगी हर जगह की। तो ये जो पटना स्टेशन से हार्डिंग पार्क होते हुए, आर ब्लॉक से होते हुए दक्षिण बिहार की तरफ हमारा ये सफ़र जारी है। पटना शहर के बारे में मैं ये बता दूं कि ये काफ़ी ऐतिहासिक शहर है, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, ये सब पुराना इसका प्राचीनतम नाम है। काफ़ी पुराना शहर है। मेगास्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था, यूनानी शासक सिल्कस निकेटर ने इसे भारत भेजा था राजदूत बनाकर, इसने अपने पुस्तक इंडिका में भी इस शहर का उल्लेख किया है। पाटलिपुत्र पुराना नाम था इसका, उल्लेख किया है अपने पुस्तक में मेगास्थनीज ने। और सफ़र के दौरान कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके और थोड़ा पानी वगैरह, चाय वगैरह पी कर ही चले, ना तबीयत बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है। छोटी गाड़ियों पर भी ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें। और हम मुझे सीट मिल गया है तो मैं इत्मीनान से बैठा हूँ। और ये रोड के किनारे ट्रैक्टरों की कतार बालू लिए हुए, क्योंकि सोन नदी का बालू काफ़ी फेमस बिहार में। और ये पटना शहर को पीछे छोड़कर काफ़ी काफ़ी तेज़ी से ये गाड़ी आगे बढ़ते हुए, और रोड के किनारे आप देख सकते हैं पेड़ काफ़ी ज़्यादा, हरियाली का ख़ास इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ये मिट्टी को मजबूत रखता है और रोड को भी मजबूत रखता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। और बिहार राज्य के बारे में बता दूँ कि ये बिहार राज्य के उत्तर में देखा जाए तो नेपाल है, उसके बाद पश्चिम में देखा जाए तो यूपी, साउथ में देखा जाए तो झारखंड, पूर्व में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है। इस तरह से ये काफ़ी घनी आबादी पटना शहर के, काफ़ी पुराना शहर है हरिनगर। चलिए इस तरह से मैं घर पहुंच गया, मिलते हैं और कुछ से ब्लॉग में। घर पहुंच गए, ठीक है, समझ गए।